स्लैलम क्लासिक्स हमारा मिड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स तो हमें पता है, जो जिंदा चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं लिविंग थिंग्स। अब इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की हुई है वो हम लोग देखेंगे, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके फंक्शंस को देखते हुए इनको डिफरेंट क्लासेस में रखा है। जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक सेम होते हैं और कुछ के डिफरेंट होते हैं। इनको देखते हुए दो हमारे पास मेजर ग्रुप्स हैं, इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं लिविंग थिंग्स के, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। अच्छा, अब हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि कुछ हमारे पास प्लांट्स फ्लावरिंग होते हैं और कुछ नॉन फ्लावरिंग होते हैं। एनिमल्स में भी कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स और कुछ हमारे पास फिशेस होती हैं। ये हम लोग ने किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को देखते हुए इसको क्लासीफाई किया हुआ है। इनमें से कुछ के हमारे पास फंक्शन सिमिलर होते हैं और कुछ के डिफरेंट होते हैं, और यही सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को देखते हुए इनको डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस किया गया है। अच्छा, हमारे पास कितने टाइप के ग्रुप्स हैं या कितने टाइप के किंगडम हैं? 5 टाइप ऑफ किंगडम है हमारे पास। सबसे पहले किंगडम मोनेरा है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, प्लांटे है और फंजा है। मोनेरा बैक्टीरिया, इसमें इसकी एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एनिमेलिया से तो समझ में आ रहे जितने एनिमल्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, प्रोटिस्टा एल्जी वगैरह इसमें आते हैं, प्लांटीज में आते हैं प्लांट्स वगैरह, और फंजाई में फंगस इसकी एग्जाम्पल यीस्ट है। एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में, इसी तरह प्लांट्स को भी फर्दर डिवाइड किया है नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स में। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये आगे जब आप लोगों के इसी चैप्टर में आगे इसकी डेफिनेशन है तो मैं बताऊँगी क्या है। अब इन किंगडम्स को हम लोग वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में हमारे पास सारे टाइप के बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसमें जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं वो सब इसमें किंगडम मोनेरा में इंक्लूड हैं। ये सिंगल सेल्ड होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें एक सेल मतलब सिंगल और यूनि मतलब एक सेल होता है इसमें, और ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते, बहुत स्मॉल होते हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इस तरह से नज़र नहीं आते इसकी। अच्छा, जिस तरीके से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, और कुछ हमारे पास डिपेंड करते हैं दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पे कि उनसे वो अपना फूड लेते हैं, और कुछ हम डेड ऑर्गेनिज़म से फूड लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डेड बॉडीज से फूड डायरेक्टली ले लेते हैं, मतलब जब भी कोई डेड हो जाता है तो हमारे पास सॉइल में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो वो उनमें से अपना फूड ले लेते हैं, कुछ अपना फूड डायरेक्टली डेड बॉडीज से ले लेते हैं, कुछ हमारे पास होस्ट मतलब लिविंग किसी भी लिविंग बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं उससे अपना फूड लेते हैं, और उनको कोई हार्म कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते, बस अपना फूड लेते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो जिस होस्ट के साथ जिस ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होते हैं उनसे फूड लेते हैं और उनको हार्म भी करते हैं, मतलब उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं, कुछ हमारे पास रॉड शेप होता है, कुछ हमारे पास विब्रो होता है, कुछ कॉमा शेप बैक्टीरियाज होते हैं, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। सेकेंड कौन सा हमारे पास? किंगडम प्रोटिस्टा, इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एल्जी। एल्जी हम लोग वैसे भी देखते हैं जिस जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे ग्रीन कलर की काई जम जाती है, उसको बोलते हैं एल्जी। यह हमारे पास यूनिसेलुलर मतलब इसमें एक सेल भी होता है, मल्टी एक से ज़्यादा भी होते हैं या एक कॉलोनी की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पाउंड्स में, रिवर्स में और लेक्स में, या बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी होता है उन एरियाज़ में ये होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास प्रोटिस्टा होता है इसके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो पता है कि इसके अंदर सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, ये इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ईजिली कर लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल कौन से हैं? बस ये सारी इसकी एग्जाम्पल हैं, वॉलवॉक्स, स्पैरोगैरा, यूग्लिना।